तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है विजय शंकर जी और इनके साथ भी रिज्यूम फिलिंग कंपनी है जो फ्रीलांसिंग के नाम से है और अच्छे कामले के नाम से एग्रीमेंट बनाती है। इनके साथ भी उन्होंने एग्रीमेंट बनाया था। एग्रीमेंट बनाने के बाद में काम पूरा ना हुआ, उसके चलते इनसे पैसों की डिमांड की गई थी। तो एक बार इनसे जानने की कोशिश करेंगे हुआ क्या था, बताइए सर। हाँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे गई हूँ फ्रॉम एमपी। एक्चुअली मेरे पास एक अननोन लेडी का कॉल आया जिसका नाम प्रगति गुप्ता है, और वो एक्चुअली टोटली फेक है। उसने फेक टाइप से बातें की और कंफ्यूज किया। कंफ्यूज करके उसने मेरी आईडी मतलब ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ले लिया और बोला कि सर आप व्हाट्सएप नंबर दीजिए तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। तो सर मैंने आपने उसको क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया उनसे कुछ भी? एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था उस समय, मैं जान नहीं पाया ये क्या है। उसने इस टाइप से बात की कि ये टोटली पूरा लीगल है, मतलब एक जेनियन है। मैं उसके बारे में जान नहीं पाया क्या है, तो मैंने उसको अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया। फिर उसने व्हाट्सएप पे बोला आपका सीवी सेंड कर दीजिए। मैंने सीवी भी सेंड कर दिया अपना। फिर उसने बोला आप 5 मिनट रुकिए। फिर मैं 5 मिनट वेट करा। उसने एक रजिस्ट्रेशन आईडी दिया और एक लिंक दी। उस लिंक पे मैंने क्लिक किया। जैसे लिंक पे क्लिक किया उसका पोर्टल ओपन हुआ। पोर्टल पूरा ब्लैंक था, उसपे एक लेटर पेड था ब्लैंक पेड। उसमें फिर उसको कॉल आया सर एक ब्लैंक पेड आया हुआ है, इस पे आप डिजिटल सिग्नेचर कर दीजिए। मैंने ठीक है, मुझे लगा ऐसे ही होंगे, मैंने अच्छा सर, कोई एक क्वेश्चन इतना और है आपसे बीच में। जहाँ पे आपने डिजिटल सिग्नेचर किए, वहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशंस कुछ कंपनी का पढ़ने को कुछ मिला था नहीं, आपको? कुछ नहीं। पोर्टल तब तक ओपन नहीं होता है, आपको ओपन ही नहीं होगा, कुछ दिखेगा ही नहीं उसके अंदर, कोई एक सेकंड। इंफॉर्मेशन भी कुछ तो ही नहीं दोस्तों, जब तक दिखेगा, आप उस पर सिग्नेचर नहीं करोगे, जब तक आपको पोर्टल पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं कुछ नहीं दिखेगी, बिना दिखेगा। किसी टर्म्स कंडीशन को पढ़े हुए कहीं पे भी सिग्नेचर ना कीजिए। तो सर आगे चल के क्या हुआ फिर आपके साथ? फिर मैंने सेंड किया। फिर उसने बोला आप ये सेंड का एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। मैंने स्क्रीनशॉट सेंड करा उसको, तो व्हाट्सएप पे ले लिया उसने। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद कॉल आया कि सर आपका वर्क आप देख लीजिए, पोर्टल आपका लॉगिन हो गया, आपका आईडी पासवर्ड ये है, इसको ओपन कीजिए। मैंने ओपन करा, उस पे काम देखा तो उसमें 600 रिज्यूम थे जो कि 7 डेज में कंप्लीट करने। तो उसको कॉल आया, फिर बोला आपको ये करना है। फिर मैंने पूछा नहीं किया, तो बोला नहीं किया तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा आता है आप देख लीजिए, एक नॉर्मली रहता है इसमें कुछ, जब तक उसने कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताई थी उसके पहले तक। फिर आधे घंटे बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट आया। उस कॉन्ट्रैक्ट में टोटली इतनी सारी कंडीशन लिखी थी जो कि आप पढ़ भी नहीं सकते, और उसमें जो मैंने साइन किए थे साइन उन्होंने कल कॉपी अच्छा पेस्ट करके सर, आपने वहां बाद पे में पैसा कितना अमाउंट पे किया था उनको? एक्चुअली उन्होंने मेरा 7 डेज पूरे हो गए थे। वो 7 डेज मुझे थोड़ा सा डर लगा क्योंकि मुझे कांटेक्ट नहीं किया, तो मैं डर गया था कि मैंने हो सकता है। तो इसके बाद में उसने बोला पहले कस्टमर केयर पे बात कर लीजिए। फिर मैंने कस्टमर केयर पे बात करी, आपका वर्क कंप्लीट हुआ है तो आपको ये कंप्लीट ना होने पर 7780 ऐसा कुछ अमाउंट बताया, तो उन्होंने वो पे करना पड़ेगा। तो मैं डर गया कि इतना अमाउंट कैसे पे करूंगा। फिर मैंने सोचा कि 3 दिन बढ़वा लेता हूँ, 3 दिन में हो सकता काम हो जाए। तो 3 दिन तो उसने बोला 1000 रुपीज के 3000 देना। मैंने बोला इतने तो नहीं, तो बोला अभी तो आप जितने अपने को दो अगले दिन कर देना। तो मेरे पास उसमें 2000 थे, तो मैंने 2000 कर दिए उसको पे। फिर भी अच्छा, टू देखा थाउजेंड पे करने के बाद भी आपको कॉल वगैरह आ रहे थे पे करने के लिए, या फिर मैसेज नहीं। वगैरह? फिर हाँ, फिर दूसरे दिन फिर कॉल आया, बोले आपने आपका बचाओ अमाउंट नहीं करा तो 2000 का आप करिए नहीं तो मैं आपका पोर्टल बंद कर देता हूँ। वो एक कोई फ्रॉड व्यक्ति तो डरा रहा था, तो उसे मैंने देखा कि दूसरे दिन कोई बंद नहीं हुआ, कंटिन्यूस 3 दिन तक चलता रहा वो पोर्टल। फिर 3 दिन जैसे कंप्लीट हुए, फिर उन लोगों के अननोन नंबर से कॉल आने लगे। मैंने आपके वीडियो देखे थे, वो देखे थे, मैंने उन लोगों को टोटली ब्लॉक कर दिया। मैं समझ गया अच्छा, मैंने आपने उनकी बीच में पूरी, मेरे वीडियो वगैरह भी देखे थे यूट्यूब भैया पे? यस यस आपके वीडियो देखे थे एक दो, मैं समझ गया ये सारी इलीगल चीजें रहती जो कि लोगों को बेवकूफ बना के साइन करवा लेते हैं अननोन लेटर पे। अच्छा, फिर एक चीज़ और आपसे जाननी है सर मुझे। जैसे कि आपने बताया पुलिस एफआईआर भी की हुई है आपने, तो बिल्कुल बिल्कुल पुलिस एफआईआर करने गए थे वहाँ पे, आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी कोई, बताओगे एक बार? बिल्कुल, आपके साथ अगर ऐसा होता है किसी के साथ भी तो आप टेंशन ना ले, बिल्कुल पुलिस एफआईआर साइबर क्राइम जाइए, वहां पर बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं आपको। और आप अपनी कंप्लेंट वहां पर एक हैंड रिटन लेके आइए, रिटन में रिज्यूम फिलिंग के नाम से। ये टोटली फेक लोग है, फ्रॉड है, कोई कंपनी नहीं, कोई सी आईएन नंबर नहीं है, टोटली फेक है। अच्छा
सर ये एक चीज थी, लोगों के दिमाग में ये रहती है कि अगर एफआईआर करेंगे तो बहुत सारी बार पुलिस बार बार बुलाएगी, परेशान करेगी। तो ऐसा अगर ऐसा सुन, अगर आपने जो एफआईआर किया था उसके बाद में आपको पुलिस ने बार बार बुलाया था क्या? मतलब आपको पुलिस स्टेशन जाने के बाद कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई ना पुलिस की तरफ से? तो दोस्तों अगर अगर आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड होता है तो पुलिस स्टेशन शांति से जाइए, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ आपको एक रिटर्न एफआईआर देनी है जिससे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो सर आप कुछ और बताना चाहोगे इनके रिगार्डिंग? तो दोस्तों अगर आपके पास भी अगर कोई कॉल आता है पैसे पे करने के लिए मेंटेनेंस के चार्ज के नाम पे, कोर्ट एफआईआर के नाम पे, पुलिस एफआईआर के नाम पे, तो पैसा पे मत करिए, नियर बाई पुलिस स्टेशन जाइए या फिर उन लोगों को शांति से इग्नोर करते रहिए। कोई इशू नहीं होगा, ना ही कोई लीगल एक्शन होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें नोटिस जो आपका है, एग्रीमेंट पेपर वगैरह, वो सेंड कीजिए, हम चेक करेंगे, आपको बताएंगे। अगर आपके साथ सर आपको सर हमारे से बात करने के बाद थोड़ा सा कुछ रिलैक्स वगैरह मिला था? तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, अगर आप भी कुछ अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर करना चाहते हो तो वो शेयर कर सकते हो। और आप जागरूक बनिए, लोगों को पैसा पे मत करिए। अगर आप पैसा पे करोगे तो आप जैसे 10 और लोगों को ये लोग फ्रॉड के चक्कर में फंसाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा